गुड मॉर्निंग सूरज एंड क्लास नाइन्थ. वी आर गोइंग थ्रू बिहाइव चैप्टर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एंड वी आर ऑन पेज 15. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टीचिंग. आई वेलकम यू ऑल. सी स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और इसी पॉइंट के ऊपर जहां बताया ना कि वो जो हाथी था वो लुढ़क गया जैसे ही उसने टॉनेल के ऊपर हिट किया उसको डंडे से, तो कहता है कि वहीं अनफिनिश्ड छोड़ देता है. एंड गेट अप, और खड़ा हो जाता है मम्बलिंग, बड़बड़ाते हुए या भुनभुनाते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस. मैं गैस चलाकर आता हूँ एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर गर्म करके, गैस चलाकर और डिनर डिनर जो है वो गर्म करके मैं आता हूँ. महेंद्रा महेंद्र जो है, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, जो बहुत ही अटेंशन से इसे सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में ही लटकता रह गया. व्हेन ही रिटर्न, और जब ईश्वरन वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड, ईश्वरन ने वो थ्रेड जो था, वो धागा था, वो नहीं पकड़ा ऑफ द स्टोरी. उस स्टोरी का राइट अवे आते ही उसने वो स्टोरी शुरू नहीं की. महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महिंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ा दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि कंक्लूजन अभी पेंडिंग था, कंक्लूजन अभी बाकी था, ये महिंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ा. वेल हाँ, अ वेटनरी डॉक्टर, एक जो वेट था, पशु चिकित्सक था, वह समन उसे बुलाया गया टू रिव्यू द एनिमल, एनिमल को संभालने के लिए, उसकी जांच करने के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वर ने लापरवाही से कहा, टू डेज लेटर, और कहता है कि उसके 2 दिन के बाद, कहता है कि टू डेज लेटर, उसके 2 दिन के बाद इट वॉज लेड अवे, इसे वापस ये चला गया बाय इट्स महावत, इसके महावत के द्वारा इसे वापस दूर ले जाया गया टू द जंगल, जंगल में. वेल कहता है कि हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, ईश्वरन तुमने ऐसा करना मैनेज कैसे किया, कैसे तुमने ऐसा किया. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने कैसे उस हाथी को गिरा दिया. कहता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद अ जैपनीज आर्ट, आई थिंक सर, मुझे लगता है कि श्रीमान ये एक जापानी आर्ट के द्वारा ऐसा किया जाता है. कराटे और जुजित्सु, या जुजित्सु या कराटे इसे कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज, ये टेम्परेरीली का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है, यानी जो नाड़ी तंत्र है उसे स्थिल कर देता है. द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को यानी नाड़ी तंत्र को पैरालाइज यानी स्थिल कर देता है. यू सी, आपने देखा मेरी कहानी में. नॉट ए डे पास्ड, कोई दिन नहीं बीतता विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग, जब ईश्वरन कोई कहानी ना सुनाता हो. सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, कुछ स्टोरी साहस से भरी होती थी, हॉरर भय से यानी डर से भरी होती थी, एंड सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियाँ होती थी. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल, चाहे जो स्टोरी है वो क्रेडिबल हो, क्रेडिबल होता है विश्वास करने योग्य, चाहे वो विश्वास करने योग्य हो और नॉट, या विश्वास के योग्य ना हो. महेंद्रा इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्रा इसे सुनना इंजॉय करता था. बिकॉज ऑफ द इनमिटेबली वे, इनमिटेबल होता है निराला, अलग बिल्कुल, उस निराले ढंग से इन विच इट वॉज टोल्ड, जैसे ये कहानी उस निराले ढंग से बताई जाती, सुनाई जाती, वो महेंद्रा को बहुत पसंद था. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर. ये क्वेश्चन भी आएगा कि ईश्वरन जो है वो महेंद्रा के क्वार्टर में टीवी की एब्सेंस से कुछ ज़्यादा ही था, यानी टीवी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जब महेंद्रा उस क्वार्टर में होता. वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था महेंद्रा, ईश्वरन आस्क, ईश्वरन ने कहा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, सर आज रात मैं कुछ खास डिनर के लिए बना लूं. आफ्टर ऑल, आखिरकार,
टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज का एक बहुत शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस, हम बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनाते हैं. टू फीड द स्पिरिट्स, आत्माओं को खिलाने के लिए, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए. टुडे सर, आज श्रीमान, आज के दिन हम डिलीशियस भोजन आत्माओं को, अपने आत्माओं को खिलाते हैं, अपने जो पूर्वजों की आत्माओं को. दैट नाइट, उस रात महिंद्रा इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, महिंद्रा ने बहुत ही स्वादिष्ट डिनर इंजॉय किया. एंड वो कहता है कि कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और कॉम्प्लीमेंट किया, ईश्वरन की प्रशंसा की, ऑन हिज, उसकी यहाँ पे एक जो कूलिनरी स्किल, यानी जो कुकिंग स्किल को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना, कूलिनरी स्किल यानी कुकिंग स्किल, इसको बोलते हैं कुकिंग स्किल. जो ये आपके सामने जो एक वर्ड दे रखा है, एक अच्छा जो है ना वर्ड है, ठीक है ना, कूलिनरी स्किल. वैसे ये सी यू अलग आएगा, लिनरी अलग आएगा, लाइनरी स्किल, ठीक है ना, कुकिंग स्किल. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था. बट परंतु अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी पूर्व एक्सपेक्ट के, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट. गैरिश होता है ड्रावना, हॉरिबल, एक बहुत ही ड्रावना, एक हॉरिबल अकाउंट, एक कहानी उसने लॉन्च कर दी, सुनानी शुरू कर दी, इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, जिसमें सुपर नेचुरल यानी भूत प्रेत की कहानियाँ इन्वॉल्व थी. यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये आसपास का पूरा फैक्ट्री का जो इलाका है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जहाँ हम निवास कर रहे हैं, वॉज वंस अ ब्रूटल ग्राउंड, कभी एक ब्रूटल ग्राउंड हुआ करता था, यानी कभी ये जो जगह है, ये एक ऐसा ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पे जो ब्रूटल ग्राउंड होता है वो होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान हुआ करता था. ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, महिंद्रा वॉज जग्ड आउट, महिंद्रा झटके से एकदम से पीछे हटा, यानी झटका दिया उसने अपने शरीर को, ऑफ द प्रेजेंट रिव्यू, अपने जो प्लीजेंट रिव्यू जो होते हैं अपने, यानी खुश, प्लीजेंट होते हैं खुश, और रिव्यू अपने विचारों से एकदम से रुका. ही हैड ड्रिफ्टेड इन टू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, जो कहता है कि भोजन करने के बाद, एक अच्छा सा भोजन करने के पश्चात, जो अपने विचारों में डूब जाता है, कहता है कि उनसे एकदम से ऊपर उठा. आई न्यू, मैं जानता हूँ, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन से, इट सेल्फ, कहता है कि पहले दिन से मैं इस बारे में जानता हूँ. क्या जानता है पहले दिन से इस बारे में, कहता है कि आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वैन आई सा अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को देखा था, ह्यूमन खोपड़ी देखी थी, लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पर पड़ी, जब मैंने ह्यूमन खोपड़ी देखी थी, मानव की खोपड़ी देखी थी, तब से मैं ये जानता हूँ. इवन नाउ आई नो कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन, यहाँ तक कि अब तक मैं काफ़ी सारी बोन्स और जो स्कल्स हैं उन्हें देख चुका हूँ. ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वर ने लगातार अब जो उसे बताया. ही वेंट टू नेरेट हाउ टू समवन सा गोस्ट एट नाइट, कहता कि ही वेंट ऑन, वह उसने जारी रखा, टू नेरेट बताना जारी रखा, हाउ कि किस प्रकार से, ही सम टाइम, कभी कभी उसने सा गोस्ट एट नाइट, रात में भूत भी देखे हैं. आई एम नॉट इजीली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर, सर इन चीज़ों से मैं आसानी से फ्राइटन, आसानी से मैं नहीं डरता. आई एम ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर मित्र हूँ, बहादुर इंसान हूँ. बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वोमेन, परंतु एक औरत का भूत, जो कि बहुत डरावना है, हॉरिबल है, विच अपियर्स ऑफ, जो दिखाई दिया, एंड ऑन, वो आता जाता रहता है, एट मिडनाइट, रात्रि के समय, ड्यूरिंग द फुल मून, पूरी चांद की रोशनी के दौरान वो आता जाता रहता है. इट इज एन अगली क्रिएचर, ये एक बहुत ही भद्दा जीव है ये भूत, विद मैटेड हेयर, जिसके उलझे हुए बाल हैं, एंड ए शिविल्ड फेस, और झुरीदार चेहरा है इसका. लाइक अ स्केल्टन, एक कंकाल की तरह, होल्डिंग अ फोटस इन इट्स आर्म, और कहता है कि फोटस होता है नवजात, नवजात को अपने हाथों में पकड़े रहता है.
देखिए आगे देखिए, आई फॉरगॉट, यस, महेंद्रा शिवर्ड, महेंद्रा कांप गया एट द डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन पे, ये जो डिस्क्राइब किया ईश्वर ने, इसके ऊपर महेंद्रा एकदम से कांप गया। एंड और कहता है कि इंटरप्रेटेड, और बीच में टोकते हुए रादर शार्पली, काफी पैनेपन से बीच में उसे टोका, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट एंड स्पिरिट, आत्मा और भूत जैसी कोई चीजें नहीं होती, इट इज ऑल ए फिगमेंट, ये एक मनगढ़ंत कहानी है ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पनाओं की, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने पाचन तंत्र को कहता है कि चेक करा लो, उसका निरीक्षण कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो तुम्हारे दिमाग का भी चेकअप करा लो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, और वो कमरे से चला गया, एंड रिटायर फॉर द नाइट, और रात में सो गया, एक्सपेक्टिंग, ये विचार करके ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कहता है कि ये विश्वास करके या ये निश्चित करके, एक्सपेक्ट करके कि जो ईश्वरन है, टू सल्क, सल्क होता दुखी होगा, फॉर कपल ऑफ डेज, एक दो दिन के लिए ईश्वरन उसके डांटने पे दुखी होगा, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगले ही सुबह ही वो सरप्राइज्ड, वो बिल्कुल सरप्राइज था टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि उसने अपने कुक को उतना ही चीयरफुल, उतना ही खुशी में और उतना ही बातूनी पाया जितना वो पहले हुआ करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, और उस दिन से जो महेंद्रा था, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी सारी जो बहादुरी भरी जो बातें थी, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, कहता है कि अपनी सारी बहादुरी भरी बातों को भूल करके जब बिस्तर पर जाता तो थोड़ा बेचैन रहता था। एवरी नाइट, हर रात, ही पीप्ड इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में झांकता, आउटसाइड बाहर, थ्रू द विंडो, बाहर खिड़की से अंधेरे में झांकता, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बिस्तर के ठीक आगे ही थी, ट्राइंग टू मेक श्योर, ये निश्चित करने की कोशिश करता, दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स, कि ऐसी काली आकृतियों की किसी प्रकार की कोई मोमेंट बाहर नहीं है, ये देखने के लिए बाहर झांकता, इन द विसिनिटी, विसिनिटी यानी आसपास के क्षेत्र में, विसिनिटी यानी आसपास के क्षेत्र में कोई डार्क शेप्स की मोमेंट नहीं है, ये निश्चित करने के लिए बाहर झांकता, बट परंतु ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, परंतु वो एक सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का समुद्र ही उसे केवल वहां दिखाई देता, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, चमचमाती रोशनियों के साथ, ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, मीलों दूर फैक्ट्री की चमचमाती रोशनियों के साथ अंधेरा दिखाई देता। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, कहता है कि ही हैड ऑलवेज लाइक, उसे हमेशा पसंद था, टू एडमायर, प्रशंसा करना उसे हमेशा पसंद था, किसकी, द मिल्क वाइट लैंडस्केप, दूध में डूबी हुई जमीन की, धरती की, ऑन फुल मून नाइट्स, पूरे चंद्रमा की रोशनी के दौरान जो दूधिया रंग जो है ना धरती के ऊपर गिरता है, जो सफ़ेद रोशनी गिरती है, उसकी प्रशंसा करना उसे हमेशा पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, उस फीमेल भूत की, ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर, उसने एक साथ लगातार खिड़की से बाहर देखना उसने बंद कर दिया, व्हेन द मून वॉज फुल, जब चंद्रमा पूरा होता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्रा वॉज वॉकन अप, महेंद्रा जाग गया फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाई ए लो मोन, एक हल्की करहाने की आवाज़ के कारण, क्लोज टू हिज विंडो, जो कि उसकी विंडो के बिल्कुल क्लोज थी। एट फर्स्ट, पहले, ही पुट इट डाउन टू ए कैट, उसने सोचा कि ये एक बिल्ली है, प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, चूहे पकड़ने के लिए प्रॉलिंग अराउंड इधर उधर घूम रही है, आई फॉरगॉट अगेन टू टर्न द पेज, सी नाउ, बट द साउंड वॉज टू ग्रूटल, परंतु ग्रूटल होता है कर्कश, करहाने की आवाज, परंतु आवाज बहुत ही करहाने की थी फॉर ए कैट, बिल्ली से ज्यादा करहाने की आवाज थी। ही रेसिस्टेड
द क्यूरियोसिटी उसने रोके रखी, जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, टू लुक आउट, बाहर देखने की जिज्ञासा को उसने रोका। कहता है कि लीस्ट थोड़े समय के लिए ही शुड बिहोल्ड, कहता है कि लीस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। कहता है कि उसने इस जिज्ञासा को रोके रखा, बाहर देखने की जिज्ञासा को, कहीं कहता है कि ऐसा दृश्य ना हो जो बिहोल्ड कर दे, रोक दे उसकी सांसों को, उसके हृदय की गति को ना रोक दे ऐसा कोई दृश्य। बट द वेलिंग, परंतु जो ध्वनि थी, जो कराहने की आवाज़ थी, बिकेम लाउडर, वो ऊंची हो गई, एंड लेस फेल इन, और कहते हैं कि कम जानी पहचानी आवाज़ हो गई। कहते हैं कि ही कुड नॉट रिसिस्ट, वो रोक नहीं पाया द टेम्पटेशन, अपनी इच्छा को एनी मोर, अब और ज़्यादा अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को नीचे बैठाते हुए, टू द लेवल ऑफ द विंडो सील, जो विंडो की जो सीलिंग होती है, नीचे वाली देहली होती है खिड़की की, उस तक नीचे बैठाते हुए, ही लुकड आउट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर चंद्रमा की जो सफ़ेद रोशनी थी उसमें बाहर उसने देखा। देयर, वहाँ, नो टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक सफ़ेद रंग की आकृति थी, क्लचिंग अ बंडल, और उसने एक बंडल पकड़ रखा था अपने हाथ में। महिंद्रा ब्रोक इंटू अ कोल्ड स्वेट, महिंद्रा का ठंडा पसीना छूट गया, एंड फॉल बैक ऑन द पिल्लो, पेंटिंग यानी हाँफते हुए वापस आकर के अपने बिस्तर के ऊपर, जो पिल्लो था उसके ऊपर आके गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गोस्टली एक्सपीरियंस, एज जब ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, वो लगातार रिकवर हुआ फ्रॉम द गोस्टली एक्सपीरियंस, उस भूतिया एक्सपीरियंस से, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बिगेन टू रीजन, समझाना शुरू कर दिया अपने आप को, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट, और आखिर में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इट मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये कुछ मन घड़ंत, कहता है कि कहानी है, ऑटो सजेशन है, मन की कोई जो है ना सजेशन है, मन का कोई विचार था ये, सम ट्रिक, या कोई ट्रिक हो सकता है, कोई खेल हो सकता है, दैट हिज सबकॉन्सियस, जो उसके विरोधी हैं, हैड प्लेड ऑन हिम, या कोई खेल हो सकता है जो उसके विरोधी उसके साथ खेल रहे हैं, ऐसा उसने अपने मन को समझाया। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब सुबह वो सुबह मॉर्निंग में उठा, हैड ए बाथ, उसने स्नान किया, एंड और कहता है कि केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए वो बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, अब पिछली रात का जो भय था वो उसकी दिमाग से, उसके मेमोरी से कहता है कि फेडेड हो चुका था, धुंधला हो चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन उसे दरवाजे तक छोड़ने आया, ग्रीट करने आया, एंड विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच के पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसके बैग के साथ। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महिंद्रा बाहर निकल रहा था, ईश्वरन ग्रिंड, ईश्वरन हंसने लगा, एंड सैड, और कहा, सर, श्रीमान, रिमेंबर द अदर डे, आपको वो दिन याद है, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा था अबाउट द फीमेल गोस्ट, उस फीमेल गोस्ट के बारे में बता रहा था, विद ए फोटस इन इट्स आर्म, उसके हाथों में एक फोटस था, यू वर सो एंग्री, आप मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हुए थे, विद मी, मेरे ऊपर, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, ऐसी चीज़ों की कल्पनाओं करने के बारे में, वेल, अब यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, पिछली रात आपने खुद उसे देखा, आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैंने कराहने की आवाज़ सुनी और मैं भागता हुआ आया था, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे आपके कमरे से आ रही थी, ऐसा अब वो कंटिन्यू बता रहा है। अ चिल, एक कपकपी वेंट डाउन महिंद्राज स्पिन, महिंद्रा के स्पिन में, शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट होने का इंतजार नहीं किया। ही हरीड अवे, वो जल्दी से चला गया टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उसने अपने जो पेपर थे वो हैंड ओवर कर दिए
हैंडेड इन हिज पेपर यानी त्याग पत्र दे दिया। रिसॉल्विंग निश्चय कर लिया टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, उस भूतिया स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया। द वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन ही उस जगह को छोड़ने का उसने निश्चय कर लिया था। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, इट वॉज योर चैप्टर। इफ यू डू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।